हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विक्की क्रिएशन। मैं आपका अपना दोस्त विक्की। दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन की न्यू हिंदी डब्ड मूवी फॉरेंसिक के बारे में। दोस्तों फॉरेंसिक 2020 के इंडियन मलयालम लैंग्वेज के एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर क्राइम मूवी है, जिसके राइटर डायरेक्टर दोस्तों अखिल पॉल और अनस खान है। दोस्तों इस मूवी के लीड रोल में आपको टोविनो थॉमस, ममता मोहनदास, रिबा मोनिका, जॉन रेंजी पॉनिकर और दिनेश आनंद से जो करूप देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर इस मूवी को आप देखने का प्लान बना रहे हो तो एक बार इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा, आराम से देखिएगा। इतनी गजब की इसकी स्टोरी है, सस्पेंस क्राइम के साथ में एक सीरियल किलर की स्टोरी है। दोस्तों आपको एक मिनट के लिए ये मूवी आपकी सीट से हिलने तक का मौका नहीं देती है। कहीं पर भी दोस्तों इस मूवी की स्टोरी स्लो नहीं होती है, एकदम से सही चलती है। बहुत ही गजब की स्टोरी है दोस्तों, क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस के साथ में। दोस्तों अगर इस मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें तो स्टोरी शुरू होती है दोस्तों एक छोटे से बच्चे से। दोस्तों इसके बच्चे को इसके पिता घर में रोज बांध के मारता है। क्यों मारता है दोस्तों ये तो स्टोरी देखने पता चलेगा, लेकिन दोस्तों वही बच्चा फिर एक दिन बड़ा होकर अपने बाप को मार देता है। दोस्तों उसके बाद में शहर के अंदर में छोटी छोटी बच्चियों की खून होने शुरू हो जाता है दोस्तों, कत्ल होना शुरू हो जाता है 5 से 7 साल की बच्चियों का। दोस्तों इसके पीछे कौन है, इसके लिए जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस अपनी जांच इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके लिए ममता मोहनदास को इसके लिए जांच के लिए बिठाया जाता है। दोस्तों ममता मोहनदास इसके लिए जांच करती है, लेकिन उसको इसके पीछे के कौन है क्या है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। दोस्तों उसके बाद ममता मोहनदास पुलिस कमिश्नर से बोल के इसके लिए एक फॉरेंसिक टीम को साथ में लेने के लिए बोलती है। दोस्तों फॉरेंसिक टीम का जो ऑफिसर उसके साथ में काम करने के लिए आता है, उसके और ममता मोहनदास की बिल्कुल भी नहीं बनती है लोग, लेकिन दोस्तों वो फिर भी एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। और फिर फॉरेंसिक टीम आने के बाद में वो एक छोटे छोटे क्लू को लेके कौन सी जगह हुआ था, वहाँ पे क्या कोई ऐसा कोई क्राइम सस्पेंड छोड़ के गया है उसके कपड़े पे खून के धब्बे से या कुछ भी, ऐसे करके वो जांच पता कर लेता है। दोस्तों फॉरेंसिक वाले उस कत्ल के पीछे कौन है उसकी उम्र तक बता देते हैं कि एक 8 से 10 से 12 साल का कोई बच्चा है जो ये खून कर रहा है। दोस्तों बाद में उस बच्चे का पता भी चल जाता है कि ये कौन कर रहा है, बच्चे को पकड़ लिया जाता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में पता चलता है कि ये बच्चा खून नहीं कर रहा है। फिर एक छोटी सी लड़की दोस्तों 10-12 साल की लड़की सामने आती है कि शायद ये खून कर रही है, उसको भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन दोस्तों वो बच्चे भी खून नहीं कर रही होती है। उसके बाद में आगे ये पुलिस के लिए और फॉरेंसिक टीम के लिए एक मुसीबत बन जाती है कि ये खून आखिर कर कौन रहा है, लेकिन दोस्तों मूवी देखने पता चलेगा। लेकिन एक आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो सीरियल किलर है वो पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ में रहता है, लेकिन वो किसी को भी पता नहीं चलता है कि ये खून यही कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप मूवी को देखोगे तो लास्ट में जाके एंडिंग में आपको ये पता चल जाएगा कि ये सीरियल किलर कौन था। लेकिन दोस्तों इतनी गजब के साथ सस्पेंस के साथ जो सीरियल किलर है वो अपना नाम सामने नहीं आता, खुद सामने नहीं आने देता है, फिर भी छोटे छोटे बच्चियों को वो खून करता रहता है। दोस्तों इसके पीछे की वजह क्या, वो खून क्यों करता है छोटे बच्चों का, वो तो मूवी देखने पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक बार इस मूवी को आप ज़रूर देखिएगा, आराम से देखिएगा, गजब की दोस्तों स्टोरी है। आज के लिए बस इतना ही, आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।